आज ऊना हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी पिछले दिनों से चर्चा चल रही है, तो आज उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती ने बयान जारी किया और उन्होंने विशेष बातचीत में कहा है कि आने वाले समय में ऊना हॉस्पिटल की जो कलप है वो जल्दी शीघ्र ही अतिशीघ्र उसका होने जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने जानकारी दी। आइए बात करते हैं सतपाल सिंह सत्ती से, क्या बोलते हैं ऊना हॉस्पिटल को लेकर। ऊना विधानसभा क्षेत्र में और जिला हेडक्वार्टर ऊना में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो, इसका प्रयास हम लोगों ने जब पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट धूमल जी के नेतृत्व में थी तब भी हमने किया था। 27 से ज़्यादा डॉक्टर उस समय हमने लगातार रखे थे, पैरामेडिकल स्टाफ पूरा रखा था। लेकिन 5 वर्षों तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो जहाँ 14 डॉक्टर रहे, पैरामेडिकल स्टाफ कम हो गया। उल्टा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमारे हॉस्पिटल के अंदर आने जाने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स बैरियर लगा दिया वहाँ पर, जो अपने मरीजों को लेकर के आते थे। अब हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहला काम किया कि हॉस्पिटल के अंदर जो टोल टैक्स लगा था उसको हमने बंद किया, व्हीकल के ऊपर जो टैक्स लगा था बंद कर दिया हमने आकर के। और उसके बाद उसका जो कैंपस है उस कैंपस की बड़ी ध्यानीय स्थिति है, हम लोगों ने पूरे कैंपस का एस्टीमेट बना करके इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए टेंडर करवाए हैं और मरीजों के जो अटेंडेंट हैं उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी करने के लिए स्थान है उसमें हमने पार्क बनाने के लिए टेंडर किया है। आने वाले समय में पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो लोग इधर उधर भटकते रहते थे बैठने के लिए, उनको बैठने के लिए शाम के टाइम सुबह टाइम पार्क मिलेगा, मरीजों के लिए पार्क मिलेगा बैठने के लिए। और गाड़ियों के लिए कीचड़ वहाँ नहीं अब निकलेगा क्योंकि वहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग टाइल का 22 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया, उसका टेंडर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बड़े लंबे समय से एक समस्या थी, इस हॉस्पिटल के 2 एंट्रेंस गेट हैं, एक एंट्रेंस गेट खुला है, एक एग्जिट गेट के अंदर हम लोगों ने सिविल सप्लाई की दुकान बड़े लंबे समय से खोली है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस सिविल सप्लाई की दुकान को हम बाहर ला रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर 2-3 दुकानें बनाएंगे, जहाँ एक यानी उसकी ऐनक वाली दुकान है उसको भी थोड़ा किनारे करेंगे और सिविल सप्लाई की जो दुकान है उसको भी निकालेंगे, ताकि अंदर जो अंधेरा रहता है मरीजों को निकलने और बाहर आने के लिए जो दिक्कत आती है, एक ही रास्ता निकलने के लिए वो ही रास्ता बाहर आने के लिए, उसके हम दोनों रास्ते, एक तो खुला है दूसरा रास्ता हम लोग दुकान हटा करके खोल रहे हैं। और हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने अभी PGI से नड्डा जी से बातचीत करके कुछ स्पेशलाइज डॉक्टर की बातचीत की है, एक डॉक्टर ने अभी ज्वाइन किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 5 डॉक्टर PGI से वहाँ पर आकर के ज्वाइन करें, और विशेष रूप से अगर हमें एक भी डॉक्टर सर्जरी का मिल जाए तो मुझे लगा हॉस्पिटल की समस्या हल हो जाएगी। और सर्जरी के डॉक्टर के बारे में मैंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार से भी बात की है, जब भी नया सर्जरी का डॉक्टर निकलेगा उस समय हम नए डॉक्टर की जहाँ पर अपॉइंटमेंट करवाएंगे। हमारे बाकी डॉक्टर्स काफ़ी मात्रा में जहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें अभी बिगड़ी हुई थी जो 5 सालों में इस ज़िले के सारे हॉस्पिटल की सत्यानाश पिछले 5 सालों में हुई है कांग्रेस के शासन में, और उसको हमने सुधारने के लिए बहुत से स्टाफ को लाए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स को लेकर के आए हैं। बाकी भी वो करने का होगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर। मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर जो 100 बेड का बनेगा, 20 करोड़ रुपये से उसकी बिल्डिंग बनेगी, उसका शिलान्यास भी हम लोग करवाएंगे। और मुख्यमंत्री को बुला करके मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो शिलान्यास है उसको भी हम लोग करवा दें, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो। और 2-3 साल के अंदर अंदर ये सारी संस्थाएं अगर बन जाती हैं तो ऊना हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे हमें PGI तक नहीं जाना पड़ेगा। सतपाल जी, जिस प्रकार से जो सिस्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, तो उसके लिए भी प्रयास उठाए जा रहे हैं। मैंने आपको ध्यान में लाया है कि पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सेस, स्टाफ नर्सेस, बार्ड सिस्टर्स, मैट्रन, ये सारा पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, इसकी कुछ प्रॉब्लम है। जितना हमारा OPD है उसके मुताबिक जहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य क्लास 4 स्टाफ या उसके साथ साथ डॉक्टर्स की पोस्टें उस लेवल पे मंजूर नहीं है, मैट्रन की पोस्ट हमारी सिर्फ एक है। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ बहुत कम पोस्ट मरीज आते हैं लेकिन मैट्रन की 3-3 पोस्ट हैं। मैंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि मैट्रन की कम से कम 3 पोस्टें ऊना में होनी चाहिए, नर्सेज की और पोस्टें बढ़नी चाहिए, स्टाफ नर्सेज की बढ़नी चाहिए, वार्ड सिस्टर की बढ़नी चाहिए और डॉक्टर्स की पोस्टें बढ़नी चाहिए। आने वाले समय में इन सब के ऊपर जो खाली पड़ी पोस्टें हैं उनको हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी हमारे डॉक्टर्स या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग आना चाहते हैं, फार्मासिस्ट आना चाहते हैं, उनको हम लोग ला रहे हैं, काफ़ी मात्रा में हम लोग लाए भी हैं। आने वाले समय में बाकियों को भी भर दिया जाएगा
और हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारने के लिए ना बीजेपी ने पहले कोताही बरती है ना वो कोताही बरते हैं। तो सुनने में आया कि रोगी कल्याण समिति के तहत 2.5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, तो वहाँ पर क्या रोगी कल्याण समिति के अंदर भी कुछ क्लास 4 वगैरह रखे जाने का ऐसा सुझाव है? रोगी कल्याण समिति के बारे में भी मेरी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी विपिन परमार जी से। उनका कहना था कि कुछ स्टाफ हम लोग रोगी कल्याण समिति के माध्यम से भरेंगे ताकि जल्दी भर हो जाए, आरकेएस से भर लेंगे, और कुछ स्टाफ हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा देंगे। उसके लिए थोड़ा मंजूरी करने में, उसके बाद पोस्टें निकालने में, फिर अपॉइंटमेंट्स होने में, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से या पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल की जो पोस्टें रहती हैं 2-6 महीने 8 महीने लग ही जाते हैं। लेकिन हम जल्दी में हैं कि अच्छा स्टाफ यहाँ पर आ जाए और हॉस्पिटल की स्थिति और सुधरे, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी इसमें सुधार हो जाए। जो हमारा PGI सैटेलाइट ऊना में आ रहा है तो उसका शिलान्यास कब तक हो जाए? PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल 4 मई 2016 को जगत प्रकाश नड्डा जी ने घोषणा की थी। 1.5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कोई भी उसकी जमीन की ट्रांसफर के काम नहीं चले, 1% भी गवर्नमेंट नहीं ले। अब हमने वहाँ पर लैंड ट्रांसफर के केस बना के गवर्नमेंट को दे दिया है, और गवर्नमेंट लेवल से हमें अब जिस प्राइवेट व्यक्ति की हमें रास्ता बनाने के लिए जमीन लेनी पड़ेगी, 11 कनाल आएगी, उससे हमने बातचीत की है। स्वास्थ्य मंत्री को ऊना बुलाया था, उससे बातचीत हुई है, उसको पेमेंट देनी है, फिर उसकी जमीन गवर्नमेंट की जमीन में वेस्ट हो जाएगी, और जिस समय वो हो जाएगी उसके बाद जो गवर्नमेंट की लैंड है वो हम लोग PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल के नाम लगाने वाले हैं। और जगत प्रकाश नड्डा जी से 8 और 9 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में उनसे मिलूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे 9-10 में नड्डा जी का और प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऊना का दौरा हो जाए, और उस दौरे के अंतर्गत इसका शिलान्यास भी हो जाए, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का भी हो जाए, ऊना में हमारे मिनी सेक्रेटेट का भी हो जाए, और अनेकों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ऊना का बस स्टैंड जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, 30 करोड़ पैसे बनकर के तैयार हो रहा है, उसको भी हम दिसंबर में जनता को समर्पित करेंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड ऊना में हम लोगों ने लगभग 1 साल में बना करके तैयार किया है, जो 5 वर्षों तक कांग्रेस के शासन में एक भी ईंट उसके ऊपर नहीं लगी थी। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम दिसंबर में मुख्यमंत्री जी को बुला करके जनता को समर्पित करेंगे, उसमें PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल का भी हमारा टारगेट है, हम कितने सफल होते हैं जाने वाला समय बताएगा। तो क्या उसमें हरोली रामपुर पुल का भी शिलान्यास किया जाएगा? हाँ, उसका भी करेंगे, वो भी बना हुआ है, उस पुल का भी जब मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि बड़ा पुल है, तो उस पुल का भी शिलान्यास तो पहले हुआ था लेकिन अब उद्घाटन होना बाकी है। तो ऐसे कोई जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो जिले के प्रोजेक्ट ही मुख्यमंत्री जी करते हैं, अन्य कंस्टिट्यूंसी में भी वो जाएंगे, लेकिन हेडक्वार्टर के ऊपर 1 दिन उनका पूरा लग जाएगा, इतने उद्घाटन और शिलान्यास उस दिन जहाँ पर होंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती, जिन्होंने विस्तारपूर्वक आगामी जो योजनाएँ हैं या जिस प्रकार ऊना हॉस्पिटल में पैसा लगाया जाना है उसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।